अभी तीसरी लहर आने वाली है, और तीसरी लहर मैं बता सकता हूं कब आएगी, कितनी जोरदार होगी, सारी बातें बता सकता हूं, मुझे मालूम है तू ये सब तेरा किया धरा है, ये प्रक्षेपण तू करवा रहा है, ये रेडिएशन तू फैला रहा है, क्योंकि मुझे मालूम है। कोई बोलेगा नहीं, किसी को बोलने की हिम्मत नहीं है, लेकिन सच यही है। जो मेरी बात को सुन रहे हैं वो इसे रिकॉर्ड करें और लोगों तक पहुंचाएं। तीसरी लहर कब आएगी, कैसे आएगी, कितनी जोरदार होगी, मैं बताता हूं तीसरी लहर कब आएगी। जब उत्तर प्रदेश के और दूसरे पंजाब और उत्तर प्रदेश के जो चुनाव एक साथ होने वाले हैं उनका अंतिम चरण चुनाव का वोट का चलेगा, तब तीसरी लहर आएगी। ये बोल रहे हैं सितंबर में आएगी, अक्टूबर है, तो वहां बेवकूफ बनाने का धंधा है, ये नहीं आएगी। जब चुनाव हो जाएगा उसके अंतिम चरण जब चुनाव खत्म होने को होगा तब आएगी तीसरी लहर। और इस तीसरी लहर में आदमी मरेगा कैसे जानते हो? इस बार सांस के लिए ऑक्सीजन के लिए तड़प तड़प कर मरा, अगली बार ऑक्सीजन मांगेगा ही नहीं, गिरेगा तड़पेगा मर जाएगा बस, विद इन फाइव मिनट्स इन डेथ। क्योंकि इस बार का जो रेडिएशन नरेंद्र मोदी फैलवाएगा वो रेडिएशन और तगड़ा होगा, जो बच्चों तक के इम्यून सिस्टम को भेद देगा। युवा 18 साल 12 साल 14 साल के बच्चों तक के इम्यून सिस्टम को भेद देगा, सांसें रोक देगा, शरीर से तुरंत ऑक्सीजन खत्म कर देगा। विज्ञान की दुनिया में, किसी महामारी में, किसी विज्ञान की दुनिया में, किसी भी विज्ञान में ऐसा नहीं है कि किसी के शरीर से ऑक्सीजन अगर खत्म होता है तो वो एकमात्र कारण होता है रेडिएशन। चैलेंज है, इस पर जवाब दे मेरी इस बात का, WHO जवाब दे या ICMR भारत की संस्था जवाब दे, जवाब दे कि ये सच है या गलत। किसी को भी ऑक्सीजन के बगैर मरेगा तभी जब उसके शरीर में रेडिएशन एक लेवल से बहुत ज्यादा आगे निकल जाएगा। तो ये कृत्रिम है, ये नरेंद्र मोदी की साजिश है। नरेंद्र मोदी का टारगेट है 84 करोड़ भारतवासियों को मार देना, ये वर्ल्ड ऑर्डर की डिमांड है, भारत को वर्ल्ड ऑर्डर में सेट किया जा रहा है। मरेंगे, आप भी मरोगे, हर घर में 3 आदमी मरेंगे, 5 लोगों का परिवार एवरेज माना जाता है। 84 करोड़ मरने का मतलब होता है हर घर में 3 आदमी मरेंगे एवरेज, किसी के घर में 1 मरेंगे तो किसी में 3-4। अब जब हर घर में 2-3 आदमी मरेंगे, उस घर में हिम्मत रहेगी नरेंद्र मोदी का विरोध करने के लिए? तो नरेंद्र मोदी आजीवन प्रधानमंत्री रहेंगे, नरेंद्र मोदी आजीवन राष्ट्रपति रहेंगे। भारत में अगर 40 करोड़ लोग बचेंगे, 40 करोड़ लोग, 50 करोड़ लोग बचेंगे, तो उसका ही प्रधानमंत्री भारत रहे नरेंद्र मोदी रहेगा, उसका भी राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी रहेगा। नरेंद्र मोदी तब भी गद्दी नहीं छोड़ेगा, इतना बड़ा क्रूर भयानक भेड़िया है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को धक्के देकर उस गद्दी से उतारना पड़ेगा, भारत को बचाने के लिए हिम्मत है तो आगे आओ, वरना अपनी पीढ़ियों को गुलाम बनाने के लिए तैयार करो, उनकी मेंटालिटी को सेट करो, उनको बताना शुरू कर दो कि आगे तुम्हें कैसे जीना है। आगे तुम्हें जीना नहीं, आगे तुम्हें कुत्ते की मौत कैसे मरनी है, क्योंकि आगे नरेंद्र मोदी का शासनकाल है। नरेंद्र मोदी का शासनकाल कंटिन्यू करेगा। आपको, अगर आपको अपने आप को नहीं इस देश को बचाना है, अगर आपको लगता है कि भारत आपकी भूमि है, आप भारत के लिए में पैदा हुए हो, भारत के लिए जी रहे हो, भारत के लिए कुछ कर सकते हो, तो आपको आगे आना होगा, आपको नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े होना होगा, आपको नरेंद्र मोदी को गद्दी से हटाना होगा। मेरे दोस्तों, मुझे जो कहना था, मैंने जो मेरा जो विषय था वो ये था कि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री नहीं है, अडानी अंबानी यानी मोदी शाह पारेख मेहता के CEO बन के रह गए हैं।